के हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि रांची शहर में देश का सबसे सुंदर वेंडर मार्केट जो बना, उस मार्केट का नाम अटल वेंडर मार्केट रखा गया। और आप लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि अटल वेंडर मार्केट के आप सभी सम्मानित वेंडर्स हैं, जिन्हें अपने रोजगार के लिए उस समय की राज्य सरकार ने एक जगह उपलब्ध कराया। और आज के दिन मैं अटल जी को बहुत बहुत नमन करते हुए यह आशा और आग्रह कर उनसे जहां भी हैं करना चाहूँगा कि आप अपने ओज से जिस तरह से भारत को एक नई ऊंचाई देने का काम किया, वैसा ही आशीर्वाद इस वेंडर मार्केट में बसे हुए सभी रोजगार प्राप्त करने वाले व्यापारी बंधु को एक ऐसा अवसर प्रदान करें कि आज वो जहां है वो और सिर्फ उन्नति को प्राप्त करें, उनका रोजगार बढ़े और ये देश जो विश्व में ख्याति ऐसा प्राप्त कर रहा है कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उनके बताए हुए रास्ते से हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। तो आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, ऐसे आज के दिन मैं मनोकामना आपसे करता हूँ। आप सभी बंधु यहाँ जुटे हैं, कोरोना काल है, एक ऐसा काल जिसे हम लोगों ने कभी देखा नहीं था, सोचा नहीं था। हम अपने रोजगार को भी खोए हैं, हम अपने लोगों को भी खोए हैं। आज के दिन ना हम अपने रिश्तेदार से मिल पा रहे हैं, ना अपने मित्र से मिल पा रहे हैं, घर घर में लोग अलग हो गए। ये ऐसी महामारी है जो पूरे विश्व को अपने चपेट में ले ली है और इसका दवा भी अभी तक नहीं निकला है। अभी सिर्फ दो तीन दवाएं जो अनुशासन के नाम पे आयुष मंत्रालय द्वारा दी गई है, जिसमें हम मास्क का उपयोग करें, डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें और साथ ही साथ आवश्यकता नहीं हो तो घर से नहीं निकलें, यही तीन दवा मुझे लगता है कि आज के दिन कोरोना के लिए है और हम उसका पालन भी कर रहे हैं। मुझे दुख है कि इस मार्केट के जितने व्यापारी बंधु हैं वो अपने रोजगार को बंद किए हुए हैं लगातार पिछले 5 महीने से। बहुत दुख होता है कि इस तरह के युग में जब हमें भरण पोषण करने के लिए रोजगार की आवश्यकता रहती है और साथ ही साथ आर्थिकोपार्जन करने का की आवश्यकता होती है, उस समय हम अपने रोजगार को बंद किए हुए हैं। लेकिन पहले कोई रास्ता भी नहीं था, लॉकडाउन था, लेकिन अब राज्य सरकार से हम लोगों ने मांग की है कि अब वेंडर मार्केट जैसे मार्केट को अब खोल दिया जाए, क्योंकि रोजगार अब होने लगे हैं, सब लोग रोजगार कर रहे हैं। और अगर हम अनुशासन करते हुए, पालन करते हुए इस रोजगार को चलाएंगे तो हम इससे दूर भी रहेंगे, साथ ही हमारे घर का काम भी चल पाएगा। तो हमने आग्रह किया है, नरेंद्र जी से बात हुई थी, नागेंद्र जी ने कहा कि उन्होंने उपायुक्त को पत्र दिया है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि यह पत्र 1 महीना पहले भी मैंने दिया था, लेकिन उस समय इधर उधर फेंका फेंकी के चक्कर में इन लोगों ने परमिशन नहीं देने का काम किया है। लेकिन इनके पत्र जाने के बाद उपायुक्त महोदय ने शायद एक पत्र नगर निगम को लिखा है, अभी हम लोग देखे नहीं है, क्योंकि नगर निगम भी बंद था, वहाँ DMC भी कोरोना प्रभावित हो गए थे जिसके कारण नगर निगम बंद था। लेकिन इनके बोलने के बाद मैंने रजनीश जी से परसों बात की, जो कि अभी बाजार शाखा देख रहे हैं, अधिकारी हैं जिनके जिम्मे यहाँ का बाजार है। मैंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिस तरह से आपने उस पत्र में लिखा था कि यहाँ
सभी अनुशासन को हम पूरा करते हुए वेंडर मार्केट खोलने का काम करेंगे, वैसा ही एक पत्र आप फिर से उपायुक्त महोदय को लिखिए, जिससे कि इसे खोलने की इजाज़त हमें राज्य सरकार और प्रशासन से मिल सके। तो हम उम्मीद करते हैं कि एक से दो दिनों में ये तकनीकी परेशानी दूर होगी, हम इस व्यापार को खोलने का काम करेंगे। लेकिन मेरा आग्रह आप लोगों से रहेगा कि जब परमिशन मिल जाता है तो हम लोग अपने आप को कोरोना से बचाने का भी काम करेंगे। जो ग्राहक आएंगे उनको भी बचाना है, लेकिन अपने आप को भी बचाना है। इसीलिए जो भी अनुशासन तय की गई है सरकार के माध्यम से, उन सब अनुशासन को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। हम एक भी आदमी ऐसा यहाँ नहीं रहेंगे जो मास्क बिना पहने हुए रहे। साथ ही साथ भीड़ इकट्ठा करके होता क्या है कि 10 लोग मिले और 10 लोग आपस में बैठ के चाय पीने लगे। अभी ये सब चीज़ों से बचना है।